हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी अभी डिलीवरी हुई है और अब आपको दिमाग में ये सवाल है कि आप अपना ध्यान कैसे रख पाएंगे डिलीवरी के बाद, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको इसी बात पर चर्चा करने जा रही हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिलीवरी आपकी नॉर्मल हुई है या सिजेरियन हुई है, लेकिन जैसी भी हो, डिलीवरी के बाद में जो शरीर के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो लगभग दोनों में सेम ही होते हैं, डिफरेंस नहीं होता है। बस चीरे का थोड़ा डिफरेंस होता है कि एब्डोमिनल डिलीवरी यानी कि सिजेरियन होता है तो पेट के ऊपर चीरा लगता है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नीचे बच्चेदानी के मुंह पे यानी कि नीचे वजाइना की तरफ कट लगता है, जिसको कि एपिजियोटमी बोलते हैं। तो उन टाँकों की केयर करना तो एक पॉइंट है ही, लेकिन ओवरऑल जनरलाइज्ड आप अपना ध्यान कैसे रखेंगे, क्या खाना पीना रखना चाहिए, क्या एक्सरसाइज आप कर सकती हैं, कितना आप घूम सकती हैं, कितनी देर आप बैठ सकती हैं, ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जो बार बार आपके दिमाग में आते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बार बार लोग कहते हैं कि आपको किसी प्रकार की हवा ना लगे और आपको धूप में नहीं जाना चाहिए या आपको बाहर की हवा में नहीं जाना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। यदि आप नॉर्मल एरिएटेड रूम में रहते हैं तो आपके लिए हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, रूम का सर्कुलेशन, एयर का सर्कुलेशन बना रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छ वायु अंदर आए, और अगर रूम का एयर सर्कुलेशन बना रहता है तो स्वच्छ वायु अंदर आती रहती है और ऑक्सीजन आपको अच्छे से मिलती रहती है, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है और आपके बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सनलाइट का। यदि आप सनलाइट का एक्सपोजर लेती हैं तो आपके शरीर में वाइटामिन डी की कमी नहीं होती है और पोस्टपार्टल डिप्रेशन के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि जब अपने को सनलाइट मिलती है तो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन बनता है जिससे कि मूड एलिवेशन होता है और डिप्रेशन की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बहुत सी लेडीज़ में पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखा जाता है जैसे कि पोस्टपार्टम ब्लूज़ कहा जाता है, और ये जनरली जब डिलीवरी के बाद लेडी को पूरे घर वालों से आइसोलेटेड कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और उसे किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उसे बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पे कि पोस्टपार्टल डिप्रेशन देखा जाता है। तो यदि आप अच्छी खुली हवा में बैठती हैं, धूप लेती हैं, तो डेफिनेटली आपको विटामिन डी और मेलाटोनिन का बेनिफिट तो है ही है, और साथ में आपका मूड भी अच्छा रहता है और डिप्रेशन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारा पानी पीना। जनरली एक मिथ और है कि आपको पानी कम पीना चाहिए जिससे कि आपका पेट ना फूले और मोटापा ना बढ़े, बट ये एक मिथ है। आपको 3 से 4 लीटर डेली पानी पीना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो सारे बाहर निकल जाएँ और आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, और अगर आप में पानी की कमी होगी तो मिल्क का सिक्रेशन यानी दूध का बनना भी कम हो जाता है। तो आप अच्छी लिक्विड डाइट लेती हैं और पानी लेती हैं तो मिल्क का सिक्रेशन भी अच्छा बना रहता है और बच्चे में भी पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ आपका दूध मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो आपके दूध में जितने भी गुण होंगे वही बच्चे को मिलने हैं, इसलिए आपकी हेल्दी डाइट और पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धूप लेना है, बाहर बैठना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अब बात आती है खाने की कि क्या क्या खाना चाहिए। तो खाने के अंदर आपको हरी सब्जियां ज़्यादा लेनी चाहिए, जैसे कि पालक है, बथुआ है, मेथी है, ये सारी ले सकते हैं। खटाई खाने के लिए मना किया जाता है, बट डॉक्टर हमेशा विटामिन सी लेने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि विटामिन सी से घाव जल्दी भरते हैं, बॉडी में रिकवरी जल्दी आती है। विटामिन सी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट भी है जिससे कि टिश्यूज़ की रिकवरी फास्ट होती है। तो विटामिन सी खट्टे चीज़ों में ज़्यादा होता है, जैसे कि मौसमी का जूस हो गया, नारंगी हो गई है, और इसके अलावा अमरूद के अंदर होता है और कीवी के अंदर होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे फल हैं जिसमें कि विटामिन सी पाया जाता है। और गट हेल्थ का ध्यान रखने के लिए दही भी बताया जाता है, और जनरली पोस्टपार्टम में या डिलीवरी के बाद दही देना बंद कर देते हैं। तो ये 2 चीज़ हैं जो आपको ऐड करनी चाहिए। दिन में 1 कटोरी आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला दही लीजिए, फ्रेश दही लीजिए। सुबह और शाम आप दूध ले लीजिए। दूध लेने से आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पूरी होती है और विटामिन B12 की भी कमी पूरी होती है। और दिन में आप दही ले लीजिए। दही के साथ आप पनीर चीज़ भी ले सकती हैं जिससे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी आपको नहीं होगी, और जितना अच्छा प्रोटीन आप लेंगी डेफिनेटली आपकी बॉडी में प्रोटीन से टिश्यू सिंथेसिस होता है जिससे कि रिकवरी फास्ट होती है। इसके साथ ही आप दालें ले सकती थी, यानी कि आप दिन में दाल के साथ चपाती ले सकती हैं, स्प्राउट्स आप ले सकती हैं जो कि हेल्दी होते हैं, उनमें मिनरल्स और विटामिंस भी अच्छे होते हैं। आप मसाला अपने अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। लाल मिर्च का सेवन करने से, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च डालने से बच्चे को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बच्चा आपका अभी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो जो भी आप खाते हैं बच्चे को भी इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए लाल मिर्च थोड़ी कम लेनी चाहिए, बाकी नॉर्मल मसाला आप ले सकती हैं।
और लिक्विड डाइट में आप जो भी लेना चाहें, जूस हैं, सूप है, ये सारे आप ले सकती हैं। वेजिटेबल स्टॉक्स आप बना सकते हैं, सारी वेजिटेबल्स को उबाल कर उनका सूप बना सकती हैं, वो भी बहुत हेल्दी होता है। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट को सुबह से शाम तक बना सकती हैं। दो दो घंटे के अंदर कुछ कुछ खाना होता है और पानी 3 से 4 लीटर पीना होता है और सुबह शाम दूध लेना है। तो ये तो हमारा खाना पीना हो गया है। और कैसे रहना है, रूम आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, एरेटेड होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए, और खाने में दूध, दही, छाछ और हरी सब्जियां लेनी होती है, 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है। अब बात आती है एक्सरसाइज की, कि हम कितनी देर बैठ सकते हैं या कितना घूम सकते हैं। तो बैठने का एज सच कोई मना ही नहीं है, बट डेफिनेटली जितना आपको कंफर्टेबल रहता है उतनी देर आप बैठ सकती हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत ज़्यादा आप बैठ ही रहेंगे तो आपको बाद में कमर में दर्द बना रहेगा। तो कमर में दर्द बना रहने के लिए अभी बैठने का कोई संबंध नहीं है, बट डेफिनेटली जितना आपको कंफर्टेबल हो उतनी देर आप बैठिए, बाकी देर आप लेट सकती हैं। जब भी आप बैठते हैं तो बैक को सपोर्ट करके बैठिए, और जब भी आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो हम हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि आप या तो चेयर पर या सोफे पर बैठकर बच्चे को दूध पिलाइए। लेटे लेटे बच्चे को दूध नहीं पिलाना होता है, क्योंकि बच्चे के सांस की नली में दूध के जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और जिससे कि बच्चे की डेथ होने का खतरा रहता है। तो हमेशा जब भी दूध पिलाएं, बच्चे का सिर ऊपर कर पिलाइए। लेट कर भी अगर आप दूध पिला रही हैं तो बच्चे के सर के नीचे तकिया लगा दीजिए, जिससे कि सर थोड़ा ऊपर रहिए। और आइडियली ये कि दिन के अंदर आप दूध पिला रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चेयर पर या बेड पर बैठकर दूध पिलाना चाहिए। इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग वॉक आपको ज़रूर करनी चाहिए। जब आप आराम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, तो 2-3 घंटे में आप 10-15 मिनट घूम सकती हैं। घूमते फिरते रहने से आपको एनर्जी का कंजम्पशन भी होता है, भूख भी ठीक लगती है, पेट से गैस भी पास होती है, और इसके साथ ही मांसपेशियां भी थोड़ी मजबूत बनती है। और 1-2 हफ्ते के बाद में आप हल्के फुल्के योगा और एक्सरसाइजेस भी कर सकती हैं। जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो आप कर सकती हैं, लेकिन हम आपको कपालभाति के लिए मना करते हैं, क्योंकि यदि आपके सिजेरियन हुआ और पेट पर टाँके लगे हैं तो कपालभाति उस स्थिति में 2 महीने तक नहीं करना चाहिए। तो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज आप कर सकती हैं, और वॉक आप ज़रूर लीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। तो आपका खाना पीना और एक्सरसाइजेस का हो गया। और सोने के लिए, रात को बच्चा सोने नहीं देता तो फिर भी हमें दिन भर में 24 घंटे के अंदर 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। यदि आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको चिड़चिड़ापन बना रहेगा और आपको दूध के सिक्रेशन में भी फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए प्रॉपर नींद आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और नॉर्मल एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं और अपना ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपके कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।